आप देख रहे हैं ग्रामीण टीवी समाचार। हमारी खबरों से अपडेट रहने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें और इस बेल आइकन को भी दबा लें। जनपद गौतम बुद्ध नगर में दादरी के एनटीपीसी में यूक्रेन से घर पहुंची छात्रा रुखसाना परवीन। छात्रा के यूक्रेन से घर वापस आते ही परिजनों में दौड़ी खुशी की लहर, साथ ही परिजनों ने भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का जताया आभार। यूक्रेन से वापस आई बेटी से मिलने पहुंचे भारतीय जनता पार्टी के नेता विपुल पुंडीर व प्रधान योगेश चौहान ने जाना छात्रा का हाल। देखिए जिला संवाददाता विकास सिसोदिया की विशेष रिपोर्ट। नमस्कार, हम एनटीपीसी दादरी में आए हैं। यहाँ पर भी एक छात्रा यूक्रेन में थी, जो वो भी MBBS की पढ़ाई कर रही थी NTPC के क्वार्टर नंबर B633 में। आइए बात करते हैं इनका कैसा वहाँ पे रेस्पॉन्स रहा, वहाँ से इनकी क्या यादें रही हैं, यूक्रेन में कैसा इनको महसूस हुआ अपने इंडिया में आने के बाद। बात करते हैं स्टूडेंट से, आइए बात करते हैं, ज़रा इनसे जानते हैं। आपका क्या नाम है? मेरा नाम रुखसारा परवीन है। सर परवीन जी, आप बताइए, आप यूक्रेन से इंडिया में आए हैं, कैसा महसूस कर रहे हैं? बहुत अच्छा लग रहा है मुझे, घर आई हूँ वापस बहुत टाइम बाद, बहुत अच्छा फील कर रही हूँ। क्या क्या परेशानियाँ आई हैं आपको, थोड़ा सा और बताएं जरा विस्तार से हमें। परेशानियाँ तो आई बहुत, फ्लाइट को लेकर के 3 स्टॉपेज पड़ा था मुझे फ्लाइट का, मुझे लगेज ले के नहीं आ पाई मैं अपने, मैंने अपना लगेज एयरपोर्ट पर ही छोड़ दिया, और फ्लाइट की रेट मेरी बहुत ज़्यादा हाई हो गई थी तो रेट्स को लेके थोड़ी प्रॉब्लम हुई। हाँ, फ्लाइट्स की रेट्स कुछ ज़्यादा हाई हो गई थी तो कुछ स्टूडेंट्स को नहीं वहाँ पे टिकट्स मिल पा रही थी, तो ये भी बताना कुछ स्टूडेंट्स का रहा है। और थोड़ा और भी विस्तार से जानते हैं इनका वहाँ से कैसा लगा इनको आने के बाद में, और इनके माता पिताजी भी हैं, उनको भी बहुत खुशी हो रही है। आपको कैसा लगा है बताएं आंटी जी। मुझे बहुत खुशी हुई, मेरी बिटिया वापस आ गई अपने देश, अपने घर आ गई, नहीं तो मुझे बहुत टेंशन हो रही थी और सारे बच्चों के लिए भी टेंशन हो रही है और जितने नहीं आए हैं, और उन सब के लिए दुआ कर रही हूँ। और इंडिया गवर्नमेंट से मैं अनुरोध करती हूँ कि उन सबको भी अच्छे से ले आए सुरक्षित अपने देश अपने घर, और मैं अपनी बिटिया के लिए खुशी महसूस कर रही हूँ घर आ गई अपने जी। एक बार रुखसार जी से एक बार बात और करेंगे, इनके भाई और हैं, अपने भाई के बारे में जरा थोड़ा बताएं विस्तार से एक बार, वो भी बाहर कहीं पढ़ाई कर रहे हैं लग रहा है ना, तो बताएं उनके बारे में। जी मेरा भाई रशिया में पढ़ रहा है, छोटा है मेरे से, उसको कोई दिक्कत नहीं है, वो अच्छे से पढ़ाई लिखाई। बातें हो रही हैं उनसे? जी बातें हो रही है। इनके पिताजी भी बैठे हुए हैं, उनसे भी दो करते हैं। नमस्कार सर जी, जरा बताएं बेटी घर पे आई है तो कैसा महसूस कर रहे हैं? जी नमस्कार सर, आपके चैनल पर नमस्कार। ये आपके चैनल से हम लोग को कुछ बोलने का मौका मिला, बहुत बहुत धन्यवाद। अभी मेरी बेटी मेरे घर आई, हम लोग बहुत खुश है, अपने देश आ गई अपने घर आ गई, और हम लोग को बहुत परेशानी हो रही थी, बहुत दिक्कत हो रहा था, बहुत टेंशन में थे हम लोग। और बेटियाँ मेरी वहाँ थी, फ्लैट मिल नहीं रहा था, बड़ी मुश्किल से टिकट मिला, फिर किसी तरह से आई, लगेज इनका छूट गया, वहीं छोड़ के आई, लगेज के लिए मना किया गया कि भाई लगेज ले जाओ तो जाने नहीं देंगे, फिर लगेज छोड़ के चली आई। हम लोग बहुत खुश हैं, थोड़ा सा क्या बहुत थोड़ा दुख भी है कि बाकी बच्चा अभी नहीं आया, सरकार की तरफ से अच्छा पहल हो रहा है। पर हमें भारतीय जनता पार्टी के कुछ पदाधिकारी भी मिले हैं और जिनको सूचना मिली कि यहाँ पे ऐसे ऐसी बेटी आई है, उनकी भी थोड़ा सा जरा उनके बारे में पता करते हैं, क्या बोलते हैं सरकार में। आपका नाम और परिचय थोड़ा बताएं। मेरा नाम ठाकुर विमल सिंह है जी, मैं जिला महामंत्री हूँ किसान मोर्चा में। तो अभी हमें संगठन से जानकारी मिली जी कि हमारी बहन प्रवीण आई हुई है, तो हम इससे मिले बेटी से, तो अपना MBBS का पढ़ाई करने वहाँ पे गई हुई थी, तो इन्होंने बताया कि सरकार का बहुत अच्छा पहल रही, और इन्होंने ये भी बताया हमें कि हमारे देश के जो प्रधानमंत्री हैं माननीय नरेंद्र मोदी जी, तो उनका इतना रेस्पेक्टेशन है दूसरी जगह कि इंडिया का फ्लैग देख के ही सम्मान की दृष्टि से देखा जाता है और बहुत सारी सहायताएँ प्राप्त हो रही हैं। तो बहन जी से मिले, हमने इनको फोन को भेंट किया, पार्टी के युवा मोर्चा के उपाध्यक्ष हैं, इनसे भी बात करते हैं। सर आपका नाम? मेरा नाम योगेश चौहान है,
पूर्व जिला उपाध्यक्ष युवा मोर्चे में मैं रहा हूँ भारतीय जनता पार्टी। और बिटिया से हम जब संगठन से हमें जानकारी मिली और उन्होंने बोला कि हम बिटिया से मिल के आएँ, तो हम बिटिया से मिलने आए और उनके परिवार से हम यहाँ आके मिले। उनकी माता जी से बात हुई, हमारी पिताजी से बात हुई, काफ़ी परिवार वाले खुश नज़र आ रहे हैं बिटिया को आने के बाद में, क्योंकि जैसा थोड़ा सा माहौल बना हुआ था, जो बच्चे नहीं आए हैं जिनके और माँ बाप भी, उनको भी चिंता हो रही है अपने बच्चों की, तो ये सब खुश हैं, खुशी का माहौल रहा है। बिटिया ने भी बताया जब 20 तारीख को भी सरकार की तरफ से गाइडलाइन जारी कर दी गई थी, जो बच्चे यूक्रेन में हमारे रह रहे हैं वो वहाँ से समय से निकल आएँ, क्योंकि कोई भी स्थिति बन सकती है। तो बिटिया ने तभी टिकट कराने का और आने का प्रयास किया था, जैसा कि बिटिया से जानकारी हुई, और ये 23 तारीख को वहाँ से लौट आई थी, इनका टिकट हुआ। उसके बाद में भी जो लोग बच्चे रह गए हैं, इनके फ्रेंड वगैरह वहाँ पे कुछ रह गए हैं, सरकार की पहल है, सरकार ने भी प्रयास किया है, अपने 4-4 मंत्रियों को वहाँ भेजा है उनको लाने के लिए। इससे पहले कभी हमारे देश में कांग्रेस की सरकार भी रही हो तो कभी उन्होंने ऐसा कोई प्रयास या इतना सम्मान भारत को नहीं मिला कि फ्लैग देख के भी हमारे जो भी वहाँ के सैनिक हैं उन्होंने भी वहाँ रास्ता दिया है, और आने जाने में भी बॉर्डर क्रॉस करने में कोई सुविधा असुविधा नहीं हुई है। तो ये सरकार की अच्छी पहल है। जो लोग ये कहते थे मोदी जी घूमते हैं, मोदी जी इधर उधर बस घूमने जाते हैं, उनको शायद आज पता चल रहा होगा कि ये संबंधों का ही वो है, जो संबंध मोदी जी ने बनाए हैं और विदेशों में भी जाके, और जो पूरा सम्मान भारत को दिलाया है, इसके लिए मैं नरेंद्र मोदी जी को बार बार दिल की गहराई से धन्यवाद करता हूँ। और बहुत अच्छा लगा उनके परिवार वालों से, और बिटिया को भी खुशी हो रही है यहाँ पे आके। तो मैं बिटिया वहाँ जो MBBS का वो कर रही थी, इनके उज्जवल भविष्य की कामना करता हूँ, यही धन्यवाद जी। यहाँ पे आपने यूक्रेन से आई स्टूडेंट के विचार सुने, उनके बारे में जाना, उन्होंने बताया कि हमारे कुछ साथी अभी भी और वहाँ पर रह गए हैं, लेकिन सभी से बात हो रही है बराबर प्रॉपर। वहाँ भारत सरकार ने सभी के लिए लाने के लिए एक पहल चलाई है मिशन गंगा के तहत, सब लोग वापस आ रहे हैं, धीरे धीरे सभी लोग एकदम अपने घर वापसी के लिए चल दिए हैं वहाँ से, और सभी की सलामती के लिए भारत सरकार बहुत अच्छी पहल कर रही है। इसी के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।